देवी और सज्जनों, पिछले दो दिन से ये राष्ट्रीय सुरक्षा संगोष्ठी जिसका आयोजन हरिद्वार में हुआ है, उसके बारे में जो आप महानुभाव यहाँ पर थे पहले से, उनको पता है, पूर्व विदित है आपको, लेकिन कुछ लोग हमारे साथी जो है पहली बार यहाँ आए हुए हैं, उनकी सूचना के लिए, वैसा आप जानते हैं कि पहला दिन कल का दिन था जो हमारा उद्घाटन समारोह के बाद में जो विशेष सत्र हुए हैं, उनमें हमने पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था, द ग्लोबल सिचुएशन पर्टेनिंग टू द सिक्योरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बाद में उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ता है, दूसरे सत्र में भारत के आसपास रीजनल सिक्योरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया नेशनल सिक्योरिटी वॉज डिस्कस्ड इन दो सेशंस। ड्यूरिंग इनॉग्रेशन यू वुड रिकॉल द फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट श्री अनिल काकोडकर, डॉक्टर काकोडकर हैड मेंशन द पैरामीटर्स इन विच द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी विल हैव टू लिव एंड विल हैव टू फेस एंड दीज आर द चैलेंजेस टू द ह्यूमन काइंड। Keeping that in mind, the second session was devoted to the impact of the proliferation of the nuclear technology. Thereafter, third session जो हमने किया था कि एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, क्या केवल सीमाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है या उसके अन्य पहलू भी हैं, उन पर हमने विचार किया, लोगों के विचार सुने उसमें। और कल शाम को जो अंतिम सत्र हुआ था उसमें आप तमाम महानुभाव जो थे, जो अपने विचार विभिन्न विषयों पर रखना चाहते थे, उनको हमने सुना, उसका निचोड़ निकाला गया और उनमें से जिन बातों को जो आपकी इच्छा थी कि इस रेजोल्यूशन में प्रस्ताव में शामिल किया जाए उसमें किया गया है, उसका ब्यौरा मैं आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तत्पश्चात आज का जो सत्र हुआ था उसमें हमने पहले सत्र में इंडिया इंटरनल डायमेंशंस, जिसको हिमाचल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कोगजे जी ने संचालित किया था, उसमें भारत की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के अनेक पहलू पर, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, नक्सलाइट, करप्शन, गवर्नेंस, जुडिशरी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल गवर्नेंस विच आर इम्पैक्टेड बाय द एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग विद इन द कंट्री and which impact the national security parameter, this was discussed. Thereafter, we had a session deliberated by, under the chairperson, Dr. Purnima Advani ji, and various speakers in that. Usme bhi aapne suna hoga, dekha hoga, ki kis tarah se Bharat ke alag alag kshetron mein suraksha sambandhi jo samasyaen hain, wo kis prakar se logon ke andar ek samasyaen paida kar rahi hain, और उसके सत्र के दौरान में हमने इन बातों पर विचार किया। जो आज का तीसरा सत्र था जिसमें श्री योगेंद्र नारायण हमारे जो भूतपूर्व केंद्रीय रक्षा सचिव थे, तत्पश्चात श्री अजीत जी डोवल, उनके आपने विचार सुने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे, और तत्पश्चात माननीय सुदर्शन जी ने अपना आशीर्वचन हमें दिया। ये जो सत्र है तकरीबन समापन सत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसमें इन बातों को आपके सामने ले आने का मकसद था कि जैसे कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, निशांग जी ने, कि समस्याएं अनेक हैं, समस्याएं और भी होंगी, और उन्होंने एक ही निवेदन किया था जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि यदि सब एकमुष्ट होकर, एक चित्त होकर, एकत्र होकर यदि किसी प्रकार का कार्य करेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने को सक्षम रहेंगे, ये बात उन्होंने बताई थी। और उसी बात को आई थिंक वी शुड टेक दिस मैसेज होम एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। मे आई सीक योर परमिशन जस्ट टू रिकॉल दैट वी मेंशन्ड यस्टरडे, नोबडी कैन फाइट योर वॉर, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, दैट नो नेशन इन द वर्ल्ड विच कैन फाइट एनीबडी एल्स वॉर। The war may be external, the war may be within, the war may be ideological, may be psychological, may be economical, may be industrial. You have to fight your own war. And the best way to fight war is to be prepared for it. Aap yuddh ke liye aatur mat hoiye.
आप तैयार रहिए, यदि विपत्ति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं तो हम पर विपत्ति नहीं आएगी. अदरवाइज इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर दैट मीन फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट विल बी इम्पोज ऑन यू एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ नॉट योर चूजिंग, समबडी एल्स चूजिंग. ये उसका निचोड़ निकला था, वही निशांग जी ने बताया था हमको. देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंड कंसिडरेशन, प्लीज थिंक एंड थिंक वॉट कैन हैपन, वेयर कैन इट हैपन, when can it happen and why can it happen. If we can conduct anticipatory predictability threat analysis of which there is a necessity in India, I think we will be able to prevent many conflicts in future to come, because in 21st century the biggest challenge to the leadership across the world, irrespective of which leadership we are talking about, will be how to prevent a conflict. Yahi nichod ye do din ki sangoshthi ka hai.